तेजस पाटिल है, लोग प्यार से मुझे टीपी तेजस पाटिल कहते हैं। ये फिल्म के पहले मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स किए जिनमें लीड एक्ट किया है। उससे बाद में मैंने एल्बम्स भी किए, ट्रेडिशनल रहेंगे या लव सॉन्ग्स। उसके बाद जब मेरी गोविंद से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा ऑडिशंस, जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने मेरा ऑडिशंस लिया, जो मेरे बाइट्स थे वो सब उन्होंने देखे, उनको उन्होंने ये फिल्म जो स्लमडॉग करोड़पति है इसमें मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम ही सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने जब मुझे नाम बताया कि मेरा नाम छछुंदर रहेगा, तो ये नाम से मुझे एक्साइटमेंट हो गई कि अगर ये छछुंदर नाम है तो कुछ अलग ही रहेगा। तो स्लम्स के ऊपर ये फिल्म थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जी, आपकी किरदार की बात करें तो आपकी क्या किरदार है इस फिल्म में? मेरा किरदार जो है वो छछुंदर नाम का है, तो छछुंदर कुछ अलग ही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बड़ी फिल्म है, हिंदी फिल्म है, तो छछुंदर का रोल करते। जब मैंने ये रोल प्ले किया तब मेरे साथ तो गोविंद, उद्धव और अमर, हम चार दोस्त मिलके ये फिल्म कर रहे थे, तो ये छछुंदर का रोल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और स्लम्स के ऊपर था, पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्लम्स लगूंगा या नहीं, तो जो फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट जो पंडित सर है उन्होंने मेरा गेटअप किया, मुझे पूरा स्लम्स बना दिया, जो मेकअप के मतलब जो कढ़ाई रहता है कढ़ाई उसके नीचे जो काला रहता है वो काला वगैरह मुझे लगा के सब उन्होंने मेरा कैरेक्टर वो डेवलप किया कि मुझे पूरा का पूरा स्लम्स बना दिया। आप देख सकते हैं यही मेरा रोल। सर आप बताइए किरदार के बारे में। किरदार के बारे में फिल्म जो है एक श्रम डॉग करोड़पति नाम है, जिसके अंदर अरुण राज सर ने गोविंद जी को एज एक्टर लिया है, जिसमें गोविंद जी का बहुत डिवोशन है एक्टिंग के प्रति। और बाकी जो चार फ्रेंड्स है वो हमारे फ्रेंड सर्कल ही है, जैसे अमर जी हो गए, शिवाजी सर है, टीपी सर है, ये लोग काफ़ी एक टीम और फैमिली फ्रेंड जैसे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस फिल्म में जा रही है। बस फिल्म बहुत अच्छी है। थैंक यू।